हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके टूल्स और ऑप्शंस के बारे में। ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 5 और इस टॉपिक का वीडियो पार्ट नंबर 1। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जब आप किसी टेक्स्ट को जो सेल में आपने टाइप किया है उसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन या कलर बैकग्राउंड का चेंज कर देते हैं या फिर फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि कंडीशन के हिसाब से आपको कोई फॉर्मेटिंग या सेल का स्टाइल चेंज करना है तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक स्टूडेंट्स के मार्क्स की टेबल है और उसमें आप ये चाहते हैं कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 80 से अबो हैं, यानी कि 80 से ज्यादा है, तो वो सभी सेल का जो कलर है वो ग्रीन हो जाए और जिनमें 40 से कम है उनमें रेड हो जाए और जो 80 और 40 के बीच में है उनका कलर हो जाए येलो। तो उस चीज के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने एमएस एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अलग अलग तरह के ऑप्शंस कैसे यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियोज में हमने नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स सीखे थे और अगर आपने मेरे वो टॉपिक या वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके और वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की प्लेलिस्ट है आप उस पर क्लिक करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एमएस एक्सेल के अंदर जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है वो होता है होम टैब के अंदर, यहां पर जहां पर मैं ये आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले अगर बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग अलग क्राइटेरिया और अलग अलग तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने टेबल्स के अंदर जो डेटा है उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए कंडीशन के हिसाब से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक टेबल यहां पर एक्सेल में बना रखी है स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स की। यहां पर साइड में स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और साइड में दूसरे कॉलम में परसेंटेज मार्क्स जो इन्होंने ऑब्टेन किए हैं उसकी एक लिस्ट बना रखी है। इस पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिनमें सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसका मतलब है कि कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सेल्स को हाईलाइट करना है और यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप उस सेल्स की वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं किसी कलर में या बैकग्राउंड कलर देके। इसमें सबसे पहले है ग्रेटर देन। ये ऑप्शन अप्लाई करने से पहले आपको कंप्यूटर को यह बताना पड़ेगा कि आप किस सेल्स पर यह फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं कंडीशन के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहां पर इन मार्क्स पे वो कंडीशन अप्लाई करनी है तो मैंने इन मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले वाले सेल पे क्लिक करके फिर कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन प्रेस करके और लास्ट वाले सेल पर मैंने क्लिक कर दिया तो इससे आपका जो ये सेल एरिया है पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। ग्रेटर देन का मतलब है कि आप जो भी नंबर यहां पर डालेंगे, जो भी नंबर यहां पर टाइप करेंगे उससे ज्यादा नंबर कोई भी आपके सेल में होगा तो उसको ये हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 80 से अबो मार्क्स यहां पर हाईलाइट करने हैं तो मैंने यहां पर लिख दिया 80। तो जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं जो सेल हमने सिलेक्ट किए थे उनमें 89 वाला सेल जो कमल का है वो हाईलाइट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ कलर अलग हो जाए क्योंकि इसके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं और इसको मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूं। तो साइड में यहां पर फॉर्मेटिंग के कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उनमें से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से ग्रीन कलर कर दिया, इसमें लिखा हुआ है ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। इसका मतलब है कि आपका जो सेल है उसके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर फिल होगा और जो फॉन्ट का कलर है उसमें डार्क ग्रीन कलर अप्लाई होगा। अगर आपको ये फॉर्मेटिंग पसंद नहीं है और आप अपनी मर्जी से कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर कस्टम फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहां से उस टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं या उसका कलर चेंज कर सकते हैं यहां से।
जैसे मैंने यहां से ये वाला डार्क ग्रीन कलर कर दिया, और यहां से आप फिल वाले ऑप्शन में जाकर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग यहां पर अप्लाई करके आपको ये दिखा देगा। अभी क्योंकि हमने यहां पर इस ओके बटन को क्लिक नहीं किया है तो इसलिए ये सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रहा है कि जब आप ओके कर देंगे तो आपको ऐसा ये कलर अप्लाई करके दिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि या तो आप यहां से इन ऑप्शंस में से कोई फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं या फिर कस्टम फॉर्मेट में जाके अपने खुद की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन कलर टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अप्लाई कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया तो ये यहां पर अप्लाई हो गया। अब मैं कहीं पे किसी दूसरे सेल पर क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि हमें और भी ऑप्शन इसके अंदर अप्लाई करने हैं कंडीशंस के साथ। तो इस एरिया को मैंने ऐसे का ऐसे सिलेक्ट रखा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन इसके अंदर है लेस देन। इसमें क्या होगा, जैसे मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट फेल हैं यानी कि जिनके मार्क्स 40 से कम हैं, आप यहां पर कोई भी नंबर अपनी मर्जी से जो आपका क्राइटेरिया या कंडीशन है वो नंबर यहां पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर टाइप कर दिया जिनके मार्क्स 40 से कम है वो रेड कलर में हो जाए, तो यहां से मैंने रेड वाली फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर ली और इसको कर दिया मैंने ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने सेल सेलेक्ट किए थे उनमें जो 40 से कम थे वो रेड कलर में हाईलाइट हो चुके हैं और जो 80 से ज्यादा थे वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स परसेंटेज मार्क्स 80 और 40 के बीच में है उनका कलर कुछ अलग हो जाए इनसे, तो उसके लिए आपको बिटवीन वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लिक करने के बाद यहां पर आप 40 पहले सेल में 40 लिख सकते हैं और जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं 80। तो 40 और 80 के बीच में अगर कोई नंबर होगा तो उसको हमने कर दिया येलो कलर। तो इसको अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी टेबल में आपको क्लियरली ये हाईलाइट होके दिख जाएगा कि आपके 80 से अबो मार्क्स कौन कौन से हैं और 40 से कम कौन से हैं और 40 और 80 के बीच में कौन से हैं। अगर आप इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं और इन नंबरों को वापस पहले जैसा नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स वाले ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, क्योंकि आपने सिर्फ इन सिलेक्टेड सेल्स के अंदर से ही ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है। अगर आप क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट करेंगे तो इस पूरी वर्कशीट से ये जो रूल्स है यानी कि जो कंडीशन आपने लगाई है इसको हटा देगा। तो अभी फिलहाल हम इस पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं। इसको क्लिक करने के बाद जो आपके नंबर्स हैं वो सारे नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आप इसको कंट्रोल जेड करेंगे तो उससे ये वापस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है कि जो भी आप नंबर इस बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे सिर्फ ये उसको ही हाईलाइट करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 65 देखना है कि सेल में कहां कहां पे है तो आप 65 यहां पर लिख दीजिए तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जो भी आपने कलर फॉर्मेटिंग यहां से अप्लाई करनी है वो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसको और क्लियरली समझने के लिए मैं इसके अंदर कुछ जो नंबर हैं वो रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैंने 65 और 58 जो नंबर है वो रिपीट कर दिया। इसके बाद मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप यहां से हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे इक्वल टू वाले ऑप्शन से तो यहां पर जैसे मैंने लिखा 58 तो जहां पे भी सिलेक्टेड एरिया के अंदर 58 होगा तो ये उसको हाईलाइट करके दिखा देगा। अगर यहां पर जैसे मैंने लिखा 65 तो ये उसको 65 को ही हाईलाइट करके दिखा रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सिर्फ एक सिंगल नंबर को हाईलाइट करके दिखाएगा जो भी आप यहां पर टाइप करेंगे। तो ये था इक्वल टू वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स कि जिस सेल के अंदर टेक्स्ट होगा ये उस पे अप्लाई होगा। तो नंबर्स की बजाय अब हमने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया टेक्स्ट दैट कंटेन्स। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहां पर जो भी आप लेटर टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस किस नाम में आर लिखा हुआ है तो आप आर टाइप कर दीजिए तो आपको तो इससे क्या होगा जिस भी टेक्स्ट के अंदर आर वाला लेटर होगा तो ये उसको हाईलाइट करके दिखा देगा। अगर आप यहां पर लिखेंगे आर ए तो आर ए टाइप करने से जिसके नाम में भी
आर ए होगा तो उसको हाईलाइट करके दिखा देगा। वैसे ये हम कई नाम अलग अलग तरह के हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा एस एच या फिर हमने लिखा ई एस एच, यानी कि जिसके नाम के पीछे ई एस एच लिखा होगा तो वो ये हाईलाइट करके दिखा देगा। ये ज्यादातर हम उन नामों में यूज करते हैं जिनके अंदर हमको ये सर्च करना है कि जैसे किसी का नाम राजेश, ब्रिजेश, कमलेश इस तरह के नाम है, तो उसमें आप हाईलाइट करके नाम को देख सकते हैं, टेक्स्ट को देख सकते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन टेक्स्ट दैट कंटेन्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर ए डेट अकरिंग। ए डेट अकरिंग जैसे आपको बता रहा है कि इसके अंदर आपको डेट की जरूरत है, यानी कि आप जो तारीख टाइप करेंगे, तिथि टाइप करेंगे, तो उसके अंदर आपको अगर कोई हाईलाइट करके सेल दिखाना है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन होता है। तो इसके लिए मैं यहां पर एक डेट की लिस्ट बना रहा हूं, और डेट की लिस्ट बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी अभी करंट डेट है उससे दो चार दिन पहले की डेट टाइप करके, और फिर आपको यहां पर लिस्ट बनानी है प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे आपके पास टेबल कोई भी हो सकती है जिसमें कोई भी डेट हो सकती है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी डेट यहां पर 4 सितंबर और 2020 दिखा रहा है, तो यहां पर मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा सितंबर, यानी कि पहले इसके अंदर मंथ का जो नंबर है वो टाइप करेंगे, उसके बाद डेट और उसके बाद फिर ईयर। तो जैसे मैंने ये टाइप कर दिया 2 सितंबर और 2020, इसको क्लिक करके जो इसका कॉर्नर वाला पॉइंट है इसको हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने से ये हमको सारी डेट्स दिखा देगा जो इसके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट डे पे होगी। उसके बाद ये जो लास्ट में हैश दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो आपकी डेट का जो टेक्स्ट है वो यहाँ वाले सेल के अंदर फिट नहीं हो रहा, तो इसके लिए आपको ऊपर से जो ये कॉलम की लाइन है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के बाद आपको ये पूरा प्रॉपर दिखा देगा। तो जैसे कि हमारे पास ये एक डेट की लिस्ट है और इसमें आपने डेट को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आपको ए डेट अकरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहां पर जैसे ये यस्टरडे वाला ऑप्शन अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो कल क्या डेट थी वो हाईलाइट कर देगा, टुडे आज की डेट, टुमारो फिर आने वाले कल की डेट, और अगर हम करेंगे लास्ट वीक तो इसमें लास्ट वीक कोई नहीं है क्योंकि ये जो हमारी डेट है आज जो डेट है वो 4 है, और लास्ट वीक हमारा संडे से पहले वाली डेट का था, तो संडे से पहले वाली डेट यहां पर नहीं है क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 सितंबर लिखा हुआ है। और अगर हमने कर दिया दिस वीक तो ये आपको इस हफ्ते के सारे जितने भी डेट होंगी वो हाईलाइट करके दिखा देगा। तो इस तरह करके अगर आप नेक्स्ट वीक करेंगे तो नेक्स्ट वीक जो है इस सेल के अंदर वो हाईलाइट करके दिखा देगा। तो डेट अकरिंग वाला ऑप्शन जो है वो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं किसी भी डेट को हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज जैसे बता रहा है कि आपके पास जो भी वैल्यूज है उसमें ये आपको डुप्लीकेट दिखाएगा, जो वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है सेल्स के अंदर, तो उसके लिए हमने ये वाले सेल्स जो हमारे परसेंटेज मार्क्स वाले थे इनको सिलेक्ट कर लिया, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अगर आपका ऑप्शन यहां पर डुप्लीकेट सिलेक्टेड है तो जो भी नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट होगा इस सिलेक्शन के अंदर उसको ये हाईलाइट करके दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 58 दो बार है और 65 भी दो बार है, तो उसको ये डुप्लीकेट हाईलाइट करके दिखा रहा है। अगर आप यहां से यूनिक सिलेक्ट करेंगे तो यूनिक में जो सिंगल बार आपके इस सिलेक्शन के अंदर नंबर रिपीट हुआ है एक बार, तो सिर्फ उसको हाईलाइट करके दिखाएगा। और फॉर्मेटिंग आप यहां से जैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप ओके कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, अभी फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसके अंदर टॉप एंड बॉटम रूल्स। इसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि जो आपके टॉप वाले ऑप्शन है जैसे टॉप 10 आइटम, टॉप 10% या अबो एवरेज, ये वाले ऑप्शन वो ऑप्शन है कि जिसके अंदर आपकी जो वैल्यू है या नंबर है वो ज्यादा होगी तब ये हाईलाइट करेगा, और बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10% और बिलो एवरेज वाला जो ऑप्शन है जो आपके नंबर कम होंगे तो उनको हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं।
तो जो टॉप 10 आइटम है और जो टॉप 10% है, इनमें सिर्फ आइटम और परसेंटेज का ही फर्क है। वैसे ये दोनों ऑप्शन ही सेम आपको वैल्यू हाईलाइट करके दिखाएंगे अगर आप इनके ऑप्शंस का यूज करेंगे। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है इसमें टॉप 10 आइटम्स, इस पे क्लिक करके अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इन पूरे सेल्स में टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि हम टॉप वाला ऑप्शन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा वाले मार्क्स वाले जो सेल्स हैं उनको ये हाईलाइट करके दिखाएगा। अगर मैंने यहां पे कर दिया कि जिनके मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के जो सबसे टॉप मार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये 5 सेल्स हाईलाइट करके दिखा रहा है, क्योंकि 65 जो है वो 2 बार है, तो इसलिए आपको वो इसके अंदर काउंट करके दिखा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन होता है टॉप 10 आइटम्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर टॉप 10%। इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन आपने किया है वो 100% है, और आपने अगर कर दिया कि इसमें जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं वो हाफ स्टूडेंट्स दिखाए, तो इस लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके हाफ जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपको 50% लिखने से आपको 5 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स हाईलाइट करके दिखा देगा। तो इस तरीके से आप टॉप परसेंटेज वाला जो ऑप्शन है ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर बॉटम 10 आइटम्स। इसमें क्या होगा, जो सबसे कम मार्क्स है जिन स्टूडेंट्स के वो कितने स्टूडेंट्स आप देखना चाहते हैं, तो मैंने इसके अंदर टाइप कर दिया 3। तो इसके अंदर जो सबसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट होंगे वो 3 स्टूडेंट ये हाईलाइट करके दिखा देगा। और उसके बाद ऑप्शन है बॉटम 10%। इसके अंदर भी वही होगा, जिनके मार्क्स सबसे कम है इन 10 स्टूडेंट में से वो 5 स्टूडेंट आपको दिखाए। तो क्योंकि ये सिलेक्शन मैंने आपको बताया था ये 100% होता है, तो अगर आपने 50% किया तो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जिनके कम है ये उसको हाईलाइट करके दिखाएगा। कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हाईलाइट करके क्यों दिखाएगा, क्योंकि आप बॉटम वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं इसलिए। तो इस तरीके से आप बॉटम परसेंटेज वाला ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अबो एवरेज। अबो एवरेज का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स हैं उनसे ज्यादा जो मार्क्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, और बिलो एवरेज का मतलब होता है जो एवरेज मार्क्स हैं उनसे कम मार्क्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। तो एवरेज सबसे पहले आपको इन नंबरों की निकालनी पड़ेगी। एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज, उसके बाद फिर आपको ब्रैकेट शुरू करनी है और गोल ब्रैकेट शुरू करनी है। उसके बाद आपको ये वाला जो एरिया है जिसके अंदर आपके सारे नंबर्स हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद चाहे तो आप पहले नंबर पे क्लिक करके शिफ्ट बटन दबाकर और लास्ट वाले सेल पर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पहले वाले सेल पे क्लिक करके और उसको माउस को ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इन सभी नंबर्स की एक एवरेज निकाल देगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, इन सभी नंबर्स का टोटल और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन सभी से डिवाइड, यानी कि ये 10 मार्क्स हैं तो इनको सबको टोटल करके 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको एवरेज निकालकर दिखा देगा। तो यहां पर जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया इक्वल टू एवरेज गोल ब्रैकेट शुरू, उसके बाद इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया नंबर्स के और उसके बाद एंटर, तो ये आपको दिखा रहा है कि 59.3 ये इसकी एवरेज है। अब जो ये 59.3 आपको एवरेज दिखा रहा है, तो इन सेल्स के अंदर जो 59.3 से अबो होंगे वो तो अबो एवरेज वाले ऑप्शन से हाईलाइट होंगे। जैसे मैंने अबो एवरेज पे क्लिक किया तो ये आपको 59.3 से जो ज्यादा मार्क्स हैं उनको हाईलाइट करके दिखा रहा है, और अगर आप बिलो एवरेज वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो उसमें आपको जो कम है 59.3 से उनको हाईलाइट करके दिखाएगा। तो इस तरीके से आप अबो एवरेज और बिलो एवरेज वाला ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर डाटा बार्स का। डाटा बार्स में सिर्फ आपको ये जो आपकी वैल्यूज है सेल के अंदर उसके हिसाब से कुछ कलरफुल बार लगा देगा, तो जो भी आपको पसंद हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो हटाने के लिए आपको क्लियर रूल्स में ये पहले वाला ऑप्शन जो सिलेक्टेड सेल्स का ऑप्शन है इसको क्लिक करना है तो वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। उसके बाद कलर स्केल होता है। कलर स्केल में आप कोई भी स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं, सभी का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर स्केल सेलेक्ट किया तो इसके अंदर आपको ये बता रहा है
रेड और येलो कलर का स्केल आएगा इसके अंदर। और इसमें क्या ये क्या कर रहा है, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके अंदर ये डार्क कलर अप्लाई कर रहा है बैकग्राउंड में, और जो आपकी लोएस्ट यानी कि सबसे कम वैल्यू होगी उसको लाइट कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फॉर्मेटिंग दिखेगी नंबर्स की वो ऐसे दिखेगी। जो 89 है ये सबसे टॉप वाला नंबर है, तो इसमें ज़्यादा डार्क कलर है। 78 में थोड़ा कम हो गया क्योंकि ये छोटा नंबर है उससे, और ऐसे ही 58 में अलग कलर दिखेगा आपको, 65 में अलग। ये सारे वैल्यूज़ के हिसाब से कलर शेड को अप्लाई करके दिखाएंगे। इनको अगर आप हटाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके और क्लियर रूल्स में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर आइकन सेट्स। अब इसमें आइकन सेट्स में क्या होता है, जो भी आपके सेल्स की वैल्यूज होगी उसमें हाईएस्ट जो वैल्यू होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी या फिर जो एवरेज वैल्यूज होंगी उनके हिसाब से ये ऑटोमेटिक उन आइकन्स को नंबर के आगे लगा देगा। जैसे आपको यहां पर जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं फॉर्मेट आइकन सेट का, वो यहां पर अप्लाई करके आपको दिखा रहा है साइड में। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया टिक मार्क वाला साइन, फिर एक्सक्लेमेशन वाला साइन और एक क्रॉस का साइन रेड कलर का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको तो ये ग्रीन वाले टिक मार्क्स से हाईलाइट करके दिखाएगा, और जो बिल्कुल कम है मार्क्स तो उनको ये क्रॉस वाला सिंबल लगा के दिखाएगा, और जिनके मार्क्स एवरेज हैं उनको ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से हाईलाइट करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप आइकन सेट्स वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आई होप आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वन बाय वन जो मैंने आपको अभी सिखाए हैं ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आया तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके और अपनी क्वेरी बता सकते हैं, और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर मैं न्यू रूल और ये वाले मैनेज रूल वाले ऑप्शन आपको बताऊंगा तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वीडियो पार्ट नंबर वन है। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मैं आपको बताऊंगा न्यू रूल और मैनेज रूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं एग्जांपल्स के साथ। इसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स यूज करेंगे जिससे आपको ये ऑप्शन क्लियरली समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वीडियो पार्ट नंबर वन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उन रूल्स को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज विजिट माई वेबसाइट www.bacomputerexpert.in। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप पर। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन या फीडबैक है तो आप कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस टाइम।